हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ट्विटर से जीमेल अकाउंट कैसे रिफर करें, या बताया था ट्विटर पर आपको कैसे हेल्प लेनी है। तो ये वीडियो उसी के आगे है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। मुझे ट्विटर की ओर से अब रिप्लाई आ गया है, तो अब मैं आगे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ मैं चलता हूँ अपने DM की तरफ, तो अपना इनबॉक्स मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो मुझे पे गूगल की तरफ से मैसेज आया हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे शो होगा। दिखा देता हूँ आपको क्या क्या शो होगा। यहाँ पे मुझे मेल आया हुआ है, हे अदर्स वी सजेस्टेड कॉन्टेक्ट द अपील टीम। यहाँ पे ये आया हुआ है और मुझे एक लिंक, दो लिंक दिए हुए हैं और इसमें क्या क्या बताया गया मैं सबको आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, हे अदर्स वी सजेस्टेड कॉन्टेक्टिंग द गूगल अपील टीम। मैं सजेशन करता हूँ कि आप गूगल अपील टीम से कॉन्टेक्ट करिए और उनका मेल ये दिए हैं। इफ़ यू डोंट नो द पासवर्ड ऑन योर अकाउंट, अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है आप, तो आप कैसे रिक्वायर करना है, तो इस वाले लिंक पे क्लिक करिए। मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ पे मैंने जस्ट उस पर टैप किया तो यहाँ पे दिखा है वही योर अकाउंट इज डिसेबल, और उसी वाले ऑप्शन पे पहुँच जाएगा ये। ठीक है, जैसे रिकवरी वाले ऑप्शन पे आ गए, रिकवरी वाले पेज पे आ गए हैं, तो यहाँ पे मैं एक जीमेल डाल देता हूँ, एक बंदे का है। इसको डाल के जब आप नेक्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए पासवर्ड वाला ऑप्शन खुल जाएगा। अब यहाँ पे पासवर्ड आपको डालना है, इंटर द लास्ट पासवर्ड दैट यू रिमेम्बर यूजिंग दिस गूगल अकाउंट। आपको जो भी लास्ट पासवर्ड है वही यहाँ पे आपको डालना है। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड को पेस्ट कर देता हूँ, डाल देता हूँ। तो यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए क्या शो होगा, यहाँ पे पासवर्ड वो गलत है, पासवर्ड सही नहीं है। अगर आप पासवर्ड डाल के आगे बढ़ाएंगे तो आपका प्रोसेस हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैं दूसरा अकाउंट करता हूँ .pay@gmail.com, इसको मैं रिकवरी के लिए डालता हूँ। तो यहाँ पे पासवर्ड इसका सही है, तो देखिए अपील वाला ऑप्शन यहाँ पे खुल जाएगा। यहाँ पे पहले तो वेरीफिकेशन जाएगा नंबर पे वेरीफिकेशन कोड मंगा लेता हूँ मैं यहाँ पे। आप देख सकते हो वीडियो में इन तक बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो यहाँ से देख सकते हो इस भाई से मैं तुरंत OTP मंगा लेता हूँ। यहाँ पे OTP उस भाई ने मुझे दे दिए हैं, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ तुरंत ही। उसके बाद जब आगे बढ़ाता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो ये खुल गया है, योर अकाउंट हैज़ बीन डिसेबल्ड, ये ऐसा लिख के आ रहा है। तो इनका जो है देखिए किस वजह से हुआ है, इन्होंने बहुत सारे मल्टीपल्स अकाउंट्स बनाए हुए हैं जिसकी वजह से ये वायलेशन का काम में आता है। इस वजह से इनका अकाउंट जो है डिसेबल हो चुका है। और गूगल की क्या पॉलिसीज है तो वो भी आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, अगर इफ़ यू थिंक दैट योर अकाउंट वाज डिसेबल बाय मिस्टेक तो यहाँ पे आप अपील कर सकते हैं। तो इन्होंने ऐसा दिया है। अब मैं यहाँ पे आपको पॉलिसी दिखा देता हूँ क्या होते हैं वायलेशन की पॉलिसी। आप मल्टीपल अकाउंट्स मत बनाइए, ये गूगल की पॉलिसी के खिलाफ है। अगर आप कोई मल्टीपल्स जीमेल बनाते हैं, मैं तो 5 जीमेल 10 जीमेल ऐसे बना देंगे तो आपका अकाउंट डिसेबल हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे बता रहा है डोंट यूज फेक अकाउंट्स, आप फेक अकाउंट्स मत बताइए। ठीक, अगर आप फेक अकाउंट्स जो है बनाएंगे तो आपका अकाउंट जो है डिसेबल कन्फर्म हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अब इतने चीज़ें हैं, इसकी पॉलिसीज ये हैं मल्टीपल अकाउंट्स और अब्यूज़ के लिए। अब आपको क्या करना है, आपको अब यहाँ पे चलते हैं आगे की तरफ, बताते हैं क्या करना है आपको। वैलिड लीगल रिक्वेस्ट आपको यहाँ पे करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप रिक्वेस्ट डालेंगे तो यहाँ पे देखिए सबमिट लीगल रिक्वेस्ट करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है। मैं यहाँ पे क्लिक हेयर करके देख सकता हूँ। तो इसको आप अच्छे तरीके से रीड करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ ज़रूर समझ में आएगा मिलेगा। मैं यहाँ पे टाइम शॉर्टेज होने की वजह से मैं यहाँ पे इसको नहीं पढ़ पा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से आप आके यहाँ से डाल सकते हो, आपका जो भी इशू है तो यहाँ से आप कंप्लेन कर सकते हो। अब आता हूँ, आपको बताता हूँ अगला पॉइंट क्या है, अब कैसे आपको रिक्वेस्ट करना है। फिर से एक बार फिर से आता हूँ मैं यहाँ पे आपको आ जाना है अपील वाले पेज पे। जब आप आ जाएंगे तो योर अकाउंट हैज बीन डिसेबल, यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिव्यू दिया है, टेल अस व्हाई वी रिस्टोर्ड योर अकाउंट, ऐसा कुछ लिख के आपको आएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे रीजन देना है। अब इस रीजन को आप सेम टू सेम ऐसे करना है, डियर सर माई जीमेल अकाउंट हैज बीन डिसेबल्ड बाई मिस्टेक, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, आई एक्सेप्टेड माई मिस्टेक एंड I promise I never do mistake again. Please help me in the Gmail important documents. I hope you will activate my Gmail account as soon as possible. अब यहाँ पे थैंक यू लिख के आपको नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे आपके साथ एक आएगा प्रोवाइड अ कॉन्टैक्ट ईमेल, जिसपे आपको कॉन्टैक्ट किया जा सकता है, वो ईमेल आपको यहाँ पे डाल के सबमिट अपील कर देना है।
जैसे आप इतना करेंगे तो उसके बाद आपको आएगा ये अपील आपका सबमिट हो जाएगा, यहाँ पे सबमिट हो गया ना, योर अपील वाज सबमिटेड। अब आपको अगर डाटा डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप उस जीमेल के जो भी डेटा हैं यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डाउनलोड कर देता हूँ इसी जीमेल पे जितने भी डेटा पड़े हुए हैं मेरे इंपॉर्टेंट, तो आप पहली बात तो उसको कर लीजिए यहाँ से डाउनलोड। यहाँ से देख सकते हो जब इतना किया तो मेरा डेटा जो है डाउनलोड हो गया होगा। तो अगर आप यहाँ पे जो दिखा रहा है कुछ देर के लिए रहता है, मतलब आपके अकाउंट पे पहुँच गया है, ठीक है, जो आप रिकवरी ईमेल मतलब जो भी ईमेल डाले हैं तो डाउनलोड डेटा उस पर आ गया है। यहाँ पे मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये दोनों आ चुके हैं। अपील जो है 48 घंटे या उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम ले सकता है, और यहाँ पे देख सकते हैं मेरा डेटा जो है रेडी हो सकता है। यहाँ से मैं तुरंत इसको डाउनलोड कर सकता हूँ, डाउनलोड योर डेटा वाले ऑप्शन से इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही था, और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को जरूर से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब।